तो फोकी पॉइंट है प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0, देन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेंथ इज 12। यार ये तो सेम ही आ गया, यहाँ तक तो ये खुद भी कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही ये सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में करा दूंगा, आप थोड़ा फॉर्मली कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि सॉल्यूशन, अब देखिएगा कि ये फोकी पॉइंट है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ से लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। देन तो यहाँ से देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी अपने पास हाइपरबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, वो अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है भाई, 1, ये है। अब यहाँ से देखिएगा कि अपने पास ये वाली आ गई है। अब अपने पास देखिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, तो अपने पास क्या है, गिवन दैट लेंथ ऑफ एल आर इक्वल टू क्या है, 12 है भाई। अब अपने को ये फॉर्मूला तो अपने को नींदों में भी याद हो गया होगा भाई, बहुत जगह यूज़ कर लिया हमने इसको। और ये कितना है, 12 है ना, तो ये आएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू 6a, यहाँ से आ गया 6a। अब अपने पास देखिए एक रिलेटिव है अपना a और b का, उसको याद करते हैं। तो वी हैव a फोकी, यहाँ से वो कितना है प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, तो देन c इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, c इक्वल टू है अपना 4। अब इसका हम रिलेशन जानते हैं कि a और b के अंदर इसका कैसा रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। तो आप ये जानते हो तो देखिएगा कि ये आ गया आपके सामने 16 और a स्क्वायर आ गया, b आप जानते हो कितना है ये। तो यहाँ से देखिएगा कि पुट क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 6a, यहाँ तक। अब जैसे आप इसको इधर लाओगे तो आपके सामने देखिए दरवाजे खुल जाएंगे और प्रकाश ही प्रकाश होगा चारों ओर। यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 आएगा, तो 8a माइनस का 2a और 16a, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जैसे आप इसको देखिएगा कि a प्लस का 8, ये तो आप कर कर के आए हो, और यहाँ से 8 इक्वल टू 0 और ये प्लस। अब यहाँ से जैसे आपको इक्वल टू 0 है तो यहाँ से देखिएगा कि a की वैल्यू तो आपके सामने 2 आ गई है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 आ गई है। यहाँ तक ओके है, सबको ओके है। तो ओके है तो देखिएगा अपने पास ये तो पॉसिबल है नहीं, और अपने पास यही पॉसिबल है, तो इसको आप क्या कर दो, मेकअप कर दो। यहाँ से यहाँ पे मेकअप होते ही देखिएगा कि इसमें वैल्यू पुट कर दो तो बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अब देखिएगा क्वेश्चंस में तो इतना कुछ लॉजिक है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन जेई में अच्छा खासा रोल निभाता है ये पार्ट, तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बुक से वगैरह कहीं से भी। और हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जेई का कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भी बेनिफिट हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, वी पुट a इक्वल टू 2 इन बी स्क्वेयर इक्वल टू 6a इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से b स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा, 6 × 2 इक्वल टू 12, यहाँ से 12 आ गया। तो यहाँ से देखिएगा कि v पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू अपना, ए स्क्वेयर कितना है भाई, ए स्क्वेयर तो अपने को पता नहीं, बट ए के बारे में कुछ पता है। ए है अपने पास 2, तो इसका स्क्वायर ये आ गया, और बी स्क्वायर के पास में तो पूरा पूरा पता है वो 12 है, तो यहाँ से पुट करा देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी पूरा ही मैंने कर दिया आपको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, यहाँ से नीचे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वेयर अपॉन में 12 है इक्वल टू 1। और ये अपने पास क्या है आंसर है। ठीक है जी।